नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज। मैं हूं विनीता मिश्रा। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे अधिक अगर कोई नाम चर्चा में है तो वो है तेजस्वी यादव। क्रिकेटर से लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तक का सफर ये युवा नेता कर चुके हैं और आज इनका 31वां जन्मदिन है। लालू यादव की गैर मौजूदगी में बिहार के चुनाव के नतीजों में तेजस्वी यादव का सीएम बनने का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वो राजनीतिक में आएंगे और इतनी जल्दी नया कीर्तिमान स्थापित करने के करीब हो जाएंगे, लेकिन वक्त का पहिया कुछ ऐसा घुमा कि क्रिकेट के मैदान में चौके छक्के लगाने वाले तेजस्वी बल्ले और गेंद से उन्हें दूरी बनानी पड़ी और राजनीतिक पिच पर एक नई पारी की उन्होंने शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कई मुश्किलों का सामना भी किया। हालात ऐसे भी आए और लगा कि उनकी पारी जमने से पहले ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस बार चुनावी बिसात पर तेजस्वी के मोहरे विपक्षियों पर पूरी तरह से भारी पड़े। तेजस्वी यादव ने कभी क्रिकेट को अपना करियर बनाया था और इनमें उन्हें परिवार का सहयोग भी मिला था। बतौर लालू प्रसाद यादव प्रशासक क्रिकेट से जुड़े हुए थे। तेजस्वी जब 20 साल के थे यानी 2009 में उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। इसी साल तेजस्वी यादव झारखंड में प्रथम श्रेणी क्रिकेट टीम में शामिल किए गए। वो हरफन मौला हैसियत से क्रिकेट खेलने लगे। उन्होंने क्रिकेट की तरह क्रिकेटर की तरह अपना लुक भी बना लिया था। तेजस्वी यादव ने क्रिकेट खेलना तो शुरू किया लेकिन सही प्रदर्शन नहीं कर सके। तेजस्वी ने रणजी के साथ साथ आईपीएल का भी रुख किया। यूं तो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे बहुत ही कमाल के हैं। छोटा बेटा तेजस्वी यादव हैं, लेकिन मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक लाइमलाइट में तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव से कहीं ज्यादा आगे हैं। तेजस्वी ने बिहार की कमान संभालने से पहले ही सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता दिखाई और इलेक्शन टाइम में वार रूम बनाया। वो अपने फेसबुक पेज से लेकर ट्विटर हैंडल तक खासे सक्रिय रहते हैं। तेजस्वी का क्रेज लड़कियों के बीच कितना है, इसकी वानगी उस वक्त देखने को मिली जब वो डिप्टी सीएम के साथ बिहार के पथ निर्माण मंत्री भी बने थे। उनके विभाग के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत और सुझावों से ज्यादा उनके शादी के प्रपोजल मिलते थे। तब तेजस्वी को लगभग 40,000 से ज्यादा लड़कियों ने शादी के लिए प्रपोज किया था। हालांकि शादी के मसले पर तेजस्वी ने अब तक यही कहा है कि यह फैसला परिवार का होगा और समय आने पर उनके परिवार वाले उनकी शादी को लेकर फैसला करेंगे। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर यूं तो 7 साल पहले यानी 2010 में ही शुरू हो गया था, लेकिन तब वो अपनी पार्टी यानी राजद के लिए भविष्य का चेहरा बन गए हैं। अब वो अपनी पार्टी के लिए भविष्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के लिहाज से बिहार के नतीजे रहे तो न केवल बिहार के सीएम होंगे बल्कि देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी ने खुद की पहचान 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बनाई। 2010 में उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अपने साथ रैलियों में शामिल किया था और लोगों को उनका परिचय दिया था, लेकिन 2015 के चुनाव में तेजस्वी ने अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर बतौर प्रचार भी किया। अपने पार्टी के गढ़ माने जाने वाले वैशाली जिले के राघोपुर से तेजस्वी यादव पहली बार विधायक भी बने और फिर डिप्टी सीएम बने।